भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। नग्न रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। दिन भर एक से एक रूप से स्त्रियां आती हैं, हजार आकर्षण दिखते हैं, लेकिन हजार आकर्षण के बीच भी जो निर्विकार और निर्वासना में जीता है वो दिगंबर सदा हुआ करता है। मानो सोचना, एक आदमी ने पत्रकार ने पूछा कि महाराज आप नग्न रहते हैं और स्त्रियां आपके पास आती हैं आपके कक्ष में, आपको कैसा लगता है? अरे मैंने कहा मुझे कैसा लगेगा? बोले नहीं आप बताइए, मैं जनरल प्रश्न पूछ रहा हूं। मैंने कहा मुझसे पूछ रहे कैसा लगता है? मैंने कहा मुझसे मत पूछो, घर जाओ और अपने 2 साल के निर्विकार नंगे बच्चे से पूछना कि उसकी मां बहन कमरे में आती है तो उसे कैसा लगता है। मैंने कहा जब तुम बहुत छोटे थे और मां के आंचल का जब दूध पीते थे तो बोले मां के आंचल में हाथ रखने पर तुम्हें कैसा लगता था? विचार करिए, सोचना है आपको। जब भी माताएं बहनें आती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी मां है और मैं इनका छोटा सा बालक हूं। निर्विकार निर्वासना में ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। युवा पीढ़ी भेषन और व्यसन में जा रही है। पहले लोग मेरे पास आते थे तो जेब से बादाम गिरती थी, सुपारी गिरती थी, अक्षत गिरा करता था। अब आते हैं नमोस्तु करते हैं तो माणिक चंद विमल लियो बादशाह गुरु। मैंने कहा कर दिया खाना गुरु को ही शुरू, अब क्या होगा तुम्हारा गोल्ड मार? वाहरे आदमी, ये गिरता है आदमी के जेब से, ये चरित्र है हमारा। विचार करिए, गुटखा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, यदि बच्चे हमारे गलत काम ना करें उससे पहले बड़ों को अपने दर्पण में मुंह देखना चाहिए। यदि एक बाप ही पान मसाला खाएगा, एक बाप ही गुटखा खाएगा, एक बाप ही बच्चे से सिगरेट मनाएगा तो बताइए किस हैसियत से वो बच्चों को मना कर सकता है कि बेटा सिगरेट मत पीना, बेटा मसाला मत खाना। अरे युवा पीढ़ी को सुधारने से पहले हमारी प्रौढ़ पीढ़ी को अपना जीवन बदलना होगा, हमारे बुजुर्गों को। तुम तम्बाकू खा रहे हो, तुम पान मसाला खा रहे हो और बच्चों से कह रहे हैं कि आप ऐसा मत करिए, आपकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान्यवर, एक माँ बाप अपनी औलाद को जिंदगी भर नहीं बदल पाते हैं और एक संत अपने आपके बच्चों को 1 घंटे के सत्संग में जीवन बदल के रख दिया। क्यों? क्योंकि हम जो करते हैं वही बोलते हैं। तुम केवल बोलते हो और करते नहीं हो, ध्यान रखिए। साधु जुबान से ही नहीं बोलता, साधु अपने जीवन से भी बोल करके दिखाता है। आपके बच्चे मेरा कहना मान जाते हैं। मैं कहता हूं बेटे मंदिर जाना, हाँ महाराज जाऊंगा। मैं कहता हूं बेटा सिगरेट नहीं पीना, हाँ महाराज नहीं पीऊंगा। आप जिंदगी भर का हो तो नहीं सुनेंगे, ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ओंठों पर सिगरेट लगी है, ध्यान रखिए। आदर्श बनकर नशा मौत है, आजाद की मौत है, कल परिवार की मौत है, एक दिन समाज की मौत है। और नशा यदि बढ़ते गया तो पूरे राष्ट्र की मौत है, और भी बढ़ा तो नशा पूरे विश्व की मौत हो जाया करता है। नशे में डूबती हुई ये युवा पीढ़ी समय से पहले सामूहिक आत्महत्या के दौर से गुजर रही है। ये आत्महत्या के अंधे कुएं में छलांग लगाएगी। मान्यवर ध्यान रखिए, क्या करेंगे आप? सरकार भी ऐसी दोहरी नीति जीती है कि एक तरफ तो सरकार ने कानून बना रखा है कि शराब पीकर कोई सड़कों में बहकेगा तो उसे पुलिस वाले उठाकर थाने में बंद कर देंगे। ध्यान रखिए, एक कानून ये है हमारे देश में,
और दूसरी तरफ यही अंधी सरकार शराब की लाइसेंस देती है, शराब के ठेके देती है। अब जाकर के पूछो दिल्ली दरबार से, यदि शराब के धड़ल्ले से आप ठेके देंगे, लाइसेंस देंगे, तो पीने वाले खरीद के शराब पिएंगे, नहीं तो क्या नाली में डालेंगे? इतना हुतू तो हमारा भारत देश नहीं है, याद रखिए। विचार करिए आप, सरकार की यह दोहरी नीति है। चोर से कहती है चोरी करो, साहूकार से कहती है जागते रहो, याद रखिए। बदलना पड़ेंगी ये नीतियां। मैं ये नहीं मानता हूं कि सरकार बदलेगी, कुछ नहीं कर लेगी सरकार। क्या करेगी, वो भी मजबूर है। पीने वालों की जमात लगी, सरकार करे तो क्या करे, क्या मान। बाबूलाल जी गौर जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय में भोपाल में था, उन्होंने अतिक्रमण तोड़वा दिए। जब भी अपनी सीमा से बाहर मकान आया, बुलडोजर चलवा दिया, और उनको कहा जाता था बुलडोजर मंत्री, जहां भी हम बुलडोजर चलवा देते थे। मैं उनसे कहा था एक दिन कि मकानों के अतिक्रमण को तो तुड़वा देते हो, बोतलों के अतिक्रमण को भी तुड़वाइए, देश का भला हो जाएगा, देश का कायाकल्प हो जाएगा। एक तरफ तो रहने वाले का मकान तोड़ डालते हो, हर चौराहे, हर गलियारे, हर नुक्कड़ पर शराब की दुकान भी खुलवाते हो, ध्यान रखिए। आज से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अतिक्रमण नहीं तोड़ना, बिल्कुल तोड़ना चाहिए। राजाज्ञा के विरुद्ध कोई भी काम हमें नहीं करना चाहिए। जिस राष्ट्र में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, राजा के अनुशासन में रहना हमारा फर्ज और दायित्व बना करता है, ध्यान रखिए। सीमाओं का उल्लंघन करोगे टूटेंगे, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, कोई मंत्री अतिक्रमण तोड़वाता है तो तुम सब मिलके भी तो कोई मैखाने तुड़वा सकते हो, शराब की दुकानें बंद करा सकते हो। अरे जब शराब बिकेगी नहीं तो पिएगा कौन? और यदि सारे लोग शराब पीना ही छोड़ देंगे तो फिर बेचेगा कौन? ध्यान, गलती दोनों तरफ से है, सरकार की भी गलती है और नागरिक की भी बहुत बड़ी गलती है। ध्यान, क्या हो गया मेरे देश? जिस देश में गंगा बहती है, हम उस देश के वासी हैं। गंगा इस देश की लाइफ लाइन है मेरे भाई, मेरे देश की पवित्र गंगा। ऐसा देश है हमारा कि जहां मैदानों में गंगा बहा करती है और मंदिरों में गंगोदक रखा करते हैं, जिसे हम माथे में लगाकर जीवन को धन्य किया करते हैं। मानवत, जिस देश में गंगा बह रही हो वहां शराब की नदियां बहें, शर्म की बात हुआ करती है। गिलासों में जो उबरे वो न डूबे, उबे जिंदगानी में, और हजारों बह गए इन बोतलों के बदबानी में। मान्यवर, एक शराबी शराब पी रहा था, मुझे मिल गया। मैंने कहा शराब क्यों पीते हो? मालूम है उसने क्या बोला? मुझे पीने का शौक नहीं, शर्मा मत आता है, ध्यान रखिए, पीता हूं गम भुलाने को। मैंने कहा पागल एक बात बता, शराब पीने से तू गम भूल जाता है? बोले हाँ महाराज, जितनी देर नशा रहता है उतनी देर तो भूल ही जाता हूं। मैंने कहा पागल, तू तो थोड़ी देर को अपना गम भूल जाता है, मगर याद रख जिंदगी भर को तेरा परिवार गम में डूब जाता है। ध्यान रखिए, अपने थोड़े से गम को भुलाने के लिए पूरे समाज को, पूरे परिवार को गम में डुबो देना, इनका ये कोई नीति की बात नहीं हुआ करती है, कोई न्याय की बात नहीं है, ये अन्याय है। हम क्षणिक शौक के लिए पूरे परिवार को तबाह करते हैं। मैंने कहा एक काम कर, गम भुलाना है ना, आज से गाना गाना बंद कर दे कि पीता हूं गम भुलाने को। शराब पीने से गम नहीं भूलेगा, लेकिन मैं कहूंगा गंगा में नहा ले, गंदोदक माथे से लगा ले। गंगा में नहाएगा तो चंगा हो जाएगा, और शराब में नहाएगा तो भिकमंगा हो जाएगा। ध्यान रखिए, तेरे खाने के भी लाले, पर गंगा में डुबकी लगा लो, गम मिट जाएंगे आपके। गंदोदक माथे पर चढ़ा लो, गम मिट जाएंगे आपके।
लेकिन शराब ओंठों से लगाओगे जिंदगी भर गम तुम्हारा पीछा नहीं। सुरा सुंदरी के शौकीन जीवन के अंत समय में कुत्ते की मौत मरा करते हैं, ध्यान रखिए।